इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या तीन की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगी। यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां आप लोगों की अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों समय रहती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं, उनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की हैं। इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक तैयार की हैं, और हिंदी वाली बुक भी आपको मिल जाएंगी। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास मिलेंगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को आपको खरीदना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप ना अधिक कीमत दे सकते हैं, ना अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहां त्रुटि है, कहां कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी, वह पहले से टूटी जा रही है। लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें, पैराचेंज, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 2 रुपए मजदूरी में मिलता है, इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की और आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है।
पैराचेंज। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है, आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से शक्ति आएगी? कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्टहैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको बुकों को परचेज करना है और कैसे आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।